Assalamualaikum and welcome back to my new vlog. Hope you are doing well. और आप सबका वेलकम है 2000 व्लॉग में. और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो पहले जाएं और सब्सक्राइब करें. तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं से शुरू करें. और हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं साग, सर्दियों की जो सौगात होती है वो तोड़ने. तो लेट्स गो. तो हम लोग जा रहे हैं साग तुलवाने और फिर उसके बाद जो होगा वो प्रॉपर पकेगा. ये वाला रास्ता जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. दोनों तरफ जो है ना वो सरसों के फूल हैं. तो यहाँ पर हो रहा है साग की, पंजाबी में पटाई कहते हैं, तुरवाई तुड़ाई जो सारा कुछ कहा जाता है. हाँ जी देख रही हूँ. ये सर्दियों की प्रॉपर सुहाग जो होती है. तो हम लोग इधर से वो सारे करेंगे अपना काम. आप सबसे ये है कि आज का सवाल कि साग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा. तो जो साग होता है ना वो कभी भी स्मॉल क्वांटिटी में नहीं बना जाता, तो इसे बनाया जाता है प्रॉपर ह्यूज क्वांटिटी में. और ये जो फूल होते हैं ना, क्योंकि सारी तरफ जो होती है ना ग्रीनरी होती है, उसके अंदर ये जो पीले फूल होते हैं ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं. और जो मौसम है वो भी काफ़ी जो है वो आज धूप निकली हुई है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है. और बच्चे जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं. तो ये है साग, हम लोगों ने तोड़ लिया है. तो अब हम लोग चलते हैं. तो साग जो है वो तोड़ लिया है और अब जो है वो चलते हैं और इसको पकायदा काटते हैं और फिर हम इसको पकाएंगे. तो यहाँ का रास्ता जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आपको मेरा फूल नज़र आ रहा होगा. तो लेट्स गो इनसाइड. वो साग को काटेंगे, इसका प्रॉपर मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ कि कैसे वो काटते हैं और फिर इसको पकाएंगे. और अब जो है वो साग प्रॉपर कट चुका है और अब लेके जाते हैं किचन के अंदर. साग को जो है ना वो इसमें डाला जाता है और फिर इसे अच्छा धोया जाएगा ताकि जो है प्रॉपर हाइजीन का भी एहतमाम किया जाए. तो अब इसमें अच्छी तरह से वॉश करेंगे और वो जो देच किया उसके अंदर डालेंगे. तो अब जो साग है ना इसको देचकी के अंदर पानी में डाल दिया जाएगा और जब तक पक जाएगा फिर इसे निकाल दिया जाएगा और नेक्स्ट स्टेप होगा. तो अब जो है वो साग बन रहा है, साग जो है वो थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे. खाने से पहले जो है वो प्रॉपर तड़का लगाया जाता है होम स्टाइल में और फिर खाया जाता है. तो बाहर जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से जो है वो टूट हो गया. तो अब जो है वो साग बनता है और फिर खाएंगे और फिर इंजॉय करेंगे. One eternity later. तो हमारा साग जो था वो रेडी हो चुका था और हम लोगों ने खा भी लिया. तो आज जो है वो मम्मा ने हमारे लिए बनाए थे गुड़ वाले चावल, तो हम लोगों ने खाया और मज़े के थे, वी इंजॉयड. और बाकी जो है अब डैडी के पक्ष हैं. तो साथ ही जो है अभी थोड़ी देर में खाने की तैयारी होगी, फिर आपको दिखाते हैं कि आज हमारे घर में क्या बनता है. और साथ ही जो है वो आज हम लोगों ने भावलपुर भी चले जाना है, तो कल वाला व्लॉग जो होगा वो जल्दी आएगा और गांव भावलपुर में आएगा. तो गांव के व्लॉग जो हैं वो आज उस ख़त्म होते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल भावलपुर में. तो आज जो है वो हमारे घर बन रही आलू की टिक्कियाँ साथ खाते हैं और इंजॉय करते हैं. और वैसे आपको देखने पता ही लग रहा होगा कि ऐसी चीज़ होती है ना, ऐसी वैरायटी वाली चीज़ें मम्मा ही बनाते हैं.
टेस्ट करते हैं। फाइनली जो है वो अंधेरा हो चुका है और अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं हुआ कि हम लोगों ने भावलपुर किस टाइम जाना है, और साथ ही जो है वो हमारे घर में शुद्ध देसी स्टाइल में जो है वो शाम का खाना बन रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमारे घर में क्या बन रहा है। तो हमारे घर जो है वो बन रही है बिरयानी, और बहुत धुआँ जो है बहुत जहरीला है जिसकी वजह से आँखों में पानी आ जाता है। तो खाना भी तो टेस्टी लग रहा है, और फिर हम लोग खा के बताएंगे कि खाना कैसा बना। हमारे साथ आज प्लान था कि हम लोग सोचती ना आग भी जलाएं, और वो प्रोग्राम तो उड़ गया क्योंकि हमारे घर आ गए बहुत सारे मेहमान। और यहाँ पर जो है मैडम सलीना बना रही है अचार गोश्त, तो ये भी काफ़ी पता लगेगा कि कैसे बनता है। अभी तो इसका सिर्फ सॉस बना हुआ है। तो ओके प्यूरी, तो ये वाला जो होगा वो आखिरी मराइल हमारा होता है कि हम लोगों ने इसे टेस्ट करना। तो साथ ही जो है वो जब टेस्ट का मजा आएगा तो फिर हम मास्टर शेफ बन जाते हैं खाने के। तो फिर खा के बताएंगे कि कैसा बनाया। A few moments later. Finally, आज का व्लॉग जो है वो यहीं पर एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में, और साथ ही जो है वो मोमी का हो चुका है वेलकम बैक। स्वागत नहीं करोगे हमारा? सीधी सीधी बात है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल है सबका। मैं पिछले व्लॉग में बहुत ज्यादा सीरियस था, उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं यानी कि इंजॉय नहीं कर सका व्लॉग में क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब था। तो नाउ आई एम फाइन, और सबको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब दोस्तों को। और होप यू एंजॉयड द व्लॉग एंड फ्रॉम माय साइड अल्लाह हाफिज। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।